ਚਾਂਜੂਰੀ ਚੁਰੈਣ ਮੇਰੇ ਪੂਰਣਾ ਢੇਡੀ ਲਾਂਦੀ ਜੋਜੀ ਵਲਾਓ ਸਾਟਣੀ ਦੀ ਬਾਸਕਟ ਪਾਂਦੀ ਦਿਲ ਲੈਂਦੀ ਮੋਈ ਵਲਾਓ। ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਸਚਿਨ ਰਾਠੌਰ ਔਰ ਆਪ ਸਭਕੋ ਨਏ ਸਾਲ ਕੀ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਏ। ਤੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਜ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਆਜ ਆਪਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੀਸਾ ਮੈਂ, ਜਹਾਂ ਸੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਚੁਰਾ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਵਹਾਂ ਰੁਕਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਚੁਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੈਰਵਾਲੀ ਚਮੁੰਡਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇਵੀ ਕੋਠੀ ਮੈਂ। ਪਰ ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਜ ਸੁਬਹਾ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਚਲੀਏ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਗਾਇਸ, ਤੋ ਸੁਬਹਾ ਕੇ 7:15 ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕੋਟੀ ਚੌਕ ਮੈਂ। ਯੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਟੀ ਚੌਕ ਔਰ ਯੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਬਾ ਸੇ 23 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀ ਦੂਰੀ ਪਰ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਸੇ ਦੇਵੀ ਕੋਟੀ ਅਬ 85 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੀਸਾ ਆਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਯਹਾਂ ਸੇ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀ ਦੂਰੀ ਪਰ ਹੈ ਔਰ ਆਜ ਮੈਂ ਅਕੇਲੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵਾ ਕੇ ਸਾਥ। ਤੋ ਚਲੀਏ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਕੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਤੋ 8:15 ਵਜੇ ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਮਧੂਵਾੜ ਸੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਯੇ ਜੋ ਵੈਲੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰਫ ਕੋ ਯੇ ਸਾਰੀ ਵੈਲੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋ ਇਸਕੋ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਸਿਊਲ ਵੈਲੀ ਔਰ ਸਿਊਲ ਰਿਵਰ ਪਧਰੀ ਜੋ ਸੇ ਓਰਿਜਿਨੇਟ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਯਹੀਂ ਸੇ ਯੇ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਹਿਮਗਿਰੀ ਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੀ ਬੈਲਟ ਸੇ ਪਿੱਛੇ ਸਲੂਣੀ ਲੰਗੇਰਾ ਔਰ ਬਾਦਲ ਸੇ ਹੋਤੇ ਹੋਏ ਸਿਊਲ ਵੈਲੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਪੇ ਨੀਚੇ ਇਸ ਤਰਫ ਸੇ ਹਮਾਰਾ ਬਹਿਰਾ ਨਾਲਾ ਔਰ ਤ੍ਰੇਲਾ ਨਾਲਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਚਾਂਜੋ ਕਾ ਨਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਯੇ ਹੈ ਸਿੰਘਾਧਾਰ, ਯੇ ਹੈ ਸਿੰਘਾਧਾਰ ਔਰ ਇਸਕੇ ਨੀਚੇ ਚੁਰਾ ਕੀ ਅਪਰ ਚੁਰਾ ਔਰ ਲੋਅਰ ਚੁਰਾ ਕੀ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਕਰ ਅੱਗੇ ਕੋ ਸਿਊਲ ਰਿਵਰ ਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਚੌੜਾ ਮੈਂ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਸੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਤੀ ਹੈ। तो गाइस, सुबह के 9:45 बजे का टाइम हुआ है और इस वक्त मैं पहुंच गया हूं बंजराडू हेलीपैड में। ये है मेरे पीछे बंजराडू हेलीपैड। लगभग 9:15 बजे के आसपास मैं यहां पहुंच गया था। कोटी से 2 घंटे लगे मेरे को और इस तरफ को ये है नीचे तीसा, ये नीचे तीसा है और इसके साथ ही ऊपर सामने बंजराडू है। तीसा के सभी ऑफिसर्स और तहसील हेडक्वार्टर बंजराडू में है और अब मैं आपको इस तरफ लेके चलता हूँ। ये जो वैली है इसको, ये है तीसा वैली और इसके एंड में लास्ट में टॉप में जो माउंटेन पीक है इसे बोलते हैं काड़ो जोत, जिसे क्रॉस करके दूसरी तरफ पांगी की चंद्रभागा वैली में हम पहुंच सकते हैं। और अब हम पूर्व से दक्षिण की तरफ मुड़ते हैं। ये है इस तरफ को भी वैली है और इसे बोलते हैं सिउल वैली, जिसमें लोअर चुरा का कुछ एरिया और चंबा का कुछ एरिया पड़ता है। सिउल रिवर इसी में से फ्लो करती है और अब हम रन करते हैं पश्चिम दिशा की ओर। तो पश्चिम में आपका कोई झज्जा कोठी और सनवाल का एरिया है और लास्ट में जो आपको माउंटेन पीक दिख रही है स्नो कैप्ड, वो है मकान पास और मकान पास को क्रॉस करके जम्मू कश्मीर के भलेस वैली में हम पहुंच जाते हैं। तो इस तरफ को भी काफ़ी बड़ी घाटी है जिसमें सनवाल और हिमगिरी का कुछ एरिया पड़ता है, झज्जा कोठी और काफ़ी बड़ी घाटी है, काफ़ी एरिया इस तरफ को भी। और अब हम चलते हैं इस तरफ को नॉर्थ, डायरेक्शन की तरफ मुड़ते हैं। तो नॉर्थ में इस तरफ को ये है बैरागढ़ का एरिया, त्रेला का एरिया और लास्ट में साच पास का एरिया और ये है बंजराडू। आप इस ज्योग्राफिकली फैक्ट से इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हो, जैसे कि चुरा का नाम है चुरा, इसका मतलब होता है चार राहें। तो चुरा के चारों तरफ चार वैलीज हैं तो ये चुरा का जो नाम है ज्योग्राफिकली इस फैक्ट से कन्फर्म हो जाता है। तो काफ़ी सुंदर जगह है। और अब मैं यहाँ से देवी कोठी के लिए निकल रहा हूँ जो कि तकरीबन यहाँ से 40 किलोमीटर है। तो चलिए आपको मैं देवी कोठी मंदिर लेके चलता हूँ।
तो फ्रेंड्स 12 बजे का टाइम है और इस वक्त मैं पहुंच गया हूं देवी कोठी विलेज में और मैंने अपनी एक्टिवा ऊपर रोड पे पार्क कर दिया। मैं नीचे मंदिर की तरफ जा रहा हूं। तो गाइस ये है बैरवाली चमुंडा मंदिर देवी कोठी जो कि चंबा के राजा उमेश सिंह ने 1754 में बनाया था, जो कि कास्ट कला का लकड़ी की कारीगरी इसमें बहुत ही सुंदर हुई है। और कहते हैं कि माता चंद्रभागा नदी से चहनी पास क्रॉस करके यहाँ पे चुरा में स्थापित हुई थी और एक बार भेड़ पालक जिसे हम पुहाल बोलते हैं, पुहाल को सपने में माता ने आकर बोला कि मैं अमुक नामक स्थान पर मेरी प्रतिमा वहाँ पर पड़ी हुई है और उस प्रतिमा को उठाकर वो चुरा की तरफ चलता रहे और जहाँ पर भी मेरी प्रतिमा भारी हो जाएगी मेरे को वहाँ पर स्थापित कर देना। तो एक बात मैं बता दूँ आपको कि इस तरफ को ये सारा एरिया जो है ये माउंटेन रेंज है इसी में है चैनी पास लेफ्ट तरफ को और इसके दूसरी तरफ जो है पांगी का एरिया है। और जैसे ही माता चैनी पास क्रॉस करके एक जगह में पहुंची तो वो प्रतिमा में परिवर्तित होगी और पुहाल ने वैसे माता के बताए आदेश के अनुसार माता की प्रतिमा को उठाकर वो चुरा की तरफ चलता रहा और इस गाँव में देवी कुट्टी जैसे बोलते हैं माता की प्रतिमा भारी होगी और उसको प्रतिमा को उसने यहीं पे स्थापित कर दिया। और बाद में यहाँ पे एक पहले छोटा मंदिर हुआ करता था जिसने यहाँ के राणा नागपाल ने बनाया था, पर बाद में जो ये अभी मंदिर आपको दिख रहा है ये चंबा के राजा उमेश सिंह ने 1754 में ये मंदिर बनाया है। काफ़ी खूबसूरत अंदर से कलाकृतियाँ हैं इसमें और इस तरफ को माता का ये शेर है और ये है देवी कोठी। काफ़ी खूबसूरत जगह है। अब मैं वापस घर को जा रहा हूँ। ये है मंदिर से थोड़ा सा ऊपर आया हूँ और ये है देवी कोठी का गांव और काफ़ी खूबसूरत जगह है। आप भी जरूर आइए यहाँ तक। रोड बनी हुई है चंबा टू बैरागढ़ तो बसेस चलती रहती है और यहाँ से थोड़ा सा आपको टैक्सी करनी पड़ेगी देवी कोठी तक। और चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।